हुकूमत साजी के बाद कानून साजी का मरहला अब शुरू हो गया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, कायमा कमेटियों की तश्कील और स्पेशल कमेटियों से मुतालिक मुशावरत का आगाज कर दिया गया है। पार्लियामेंट हाउस में इत्तेहादी जमातों के मुशावरती इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तला नशरियात अताउल्ला तारड़, रमेश कुमार, अजहर कयानी समेत दीगर की जानिब से शिरकत की गई। पी एस सी, मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मेंबर को देने पर मुशावरत जारी है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी आतिफ जी, हुकूमत साजी के बाद कानून साजी का जो मरहला है शुरू किया गया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, कायमा कमेटियों की तश्कील और स्पेशल कमेटियों से मुतल्लिक मुशावरत का आगाज कर दिया गया है। पार्लियामेंट हाउस में मुशावरती इजलास हुआ है जिसमें वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर इत्तला ताउल्ला ताड़र, रमेश कुमार, अजहर कियानी समेत दीगर पार्लियामेंट इस इजलास में मौजूद हुए। जो सबसे अहम कमेटी पी एस सी किसको दी जाए, इस हवाले से मुशावरत का अमल जारी है। अपोजिशन रहनुमा और सबक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर भी इस इजलास में मुशावरत के लिए पहुंचे। पी एस सी, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के सीनियर मेंबर को देने पर मुशावरत का अमल जारी है। स्पीकर कौमी असेंबली मुशावरत के बाद तमाम पार्लियामानी पार्टियों से सरबराहान है, उनसे भी हतमी मुशावरत करेंगे और इम्कान यही है कि आइंदा हफ्ते तक पार्लियामानी कमेटियां जो हैं उनका क्याम अमल में आ जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट तमाम तर तफसीलात के लिए।